उत्तर प्रदेश के बरेली में कई बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के मकसद से बारूद का एक बड़ा खेप लाया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक बारूद का एक खेप कानपुर से पीलीभीत के रास्ते बरेली पहुंचाया जा रहा था। इन बारूदों को बोरी में भरकर रोडवेज बस के नीचे बने लगेज चैम्बर में रखा गया था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में बस के कंडक्टर को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ के दौरान कंडक्टर ने कहा कि उसे पता नहीं था कि बोरी के अंदर क्या है। उसे ये बोरियां एक कूली ने दिया और कहा कि बरेली में उनका आदमी उतार लेगा। है? क्या था इसके अंदर? बारूद की इतनी बड़ी खेप बरामद होने से खुफिया एजेंसियों में हड़कंप मच गया है, जबकि चालक मौके से फरार हो गया। साथ ही मामले में जांच शुरू कर दी है। हालांकि जांच के बाद सहायक पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा का कहना है कि जो बारूद रिकवर हुआ है वो हाई इंटेंसिटी का नहीं है और अक्सर इस तरह के बारूद फुलझड़ी और पटाखे बनाने में काम आता है। आज सवेरे 6:30 बजे के आसपास हमें ये इनपुट मिला था कि एक UPSRTC की बस है जो कानपुर से बरेली आई थी और बरेली से पीलीभीत जा रही थी, उसमें 2.5 क्विंटल हमें जो लो क्वालिटी का एक्सप्लोजिव होता है जो बेसिकली पटाखों में या फुलझड़ियों में इस्तेमाल होता है, प्राय अभी फर्स्ट प्रूफ में यही नज़र आ रहा है कि फुलझड़ियों में इस्तेमाल होता है, पटाखों में इस्तेमाल होता है, ऐसा एक्सप्लोजिव हमने 2.5 क्विंटल बरामद किया है। इस बस में जिसमें ये लदा हुआ था, इसके ड्राइवर जो कि मनीष हैं और इसके कंडक्टर सुधीर, इन दोनों को हमने अभी हिरासत में लिया है, इनसे पूछताछ कर रहे हैं क्योंकि ये एक्सप्लोजिव्स है, इस तरीके के पब्लिक ट्रांसपोर्ट और स्पेशली बसेस वगैरह में तो नहीं ले जाना चाहिए जिससे पैसेंजर्स की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। अभी हमारी ATS की टीम भी आई थी, उन्होंने भी इसको चेक किया है, तो अभी फर्स्ट जो इसका इंप्रेशन है वो यही है कि लो एक्सप्लोजिव है, पटाखों में इस्तेमाल होता है, आगे की इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। क्या लगता है कोई आतंकी गतिविधि से इसके तार जुड़े हैं? नहीं, फिलहाल अभी इसमें आतंकी गतिविधि तार तो नज़र नहीं आ रहे, बट ये देखने में आया कि शायद ये किसी पटाखे जहां बनते हों वहां जा रहा हो और वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाना हो, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस तरीके से इसको कैरी नहीं किया जा सकता। तमाम और खुफिया एजेंसी भी जाते हैं? हाँ, ATS है हमारे साथ, हमारा लोकल LIU भी जाँच कर रहे हैं और कानपुर से जहाँ से चला है वहाँ भी वो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे और वहाँ से भी पूछताछ करेंगे। पूछताछ में क्या पता चला कि इससे पहले भी ले जा चुका है इस तरीके से वहाँ पे? कंडक्टर ने ये बताया कि उसको कुछ रुपए के एवज में ये ऐसे माल लदवाता था और उसको यहाँ पीलीभीत छोड़ देता था और शायद 150 रुपये प्रति बोरे के हिसाब से उसको पैसे भी मिलते थे। अभी बाकी पूछताछ उससे की जा रही है। क्या पता चला पीलीभीत में कौन है, उसको हिरासत में लिया गया है? पीलीभीत अभी हमारी टीम गई हुई है, अभी उसको देखा जाएगा, वहाँ पर जाके चेक करके जो संबंधित हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। बता दें कि यूपी में CAA और NRC को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी के मद्देनजर यूपी प्रशासन ने पुलिस डिपार्टमेंट को मुस्तैद रहने को कहा है। इससे पहले वाराणसी और यूपी नेपाल बॉर्डर पर भी पुलिस ने सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है। बरेली से कृष्ण गोपाल की रिपोर्ट, UP तक।